सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पिथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में त्यागदेव नाम एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से करा दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता के घर में भी यह शुभदायक व्रत किया है, इसलिए मैं यहाँ भी करना चाहती हूँ। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर जी ने कहा, हे बहु, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? उस समय पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 माह के बाद उसने एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से रोकने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में ही वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर त्यागदेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण देव बहुत दुखी हुए। पति के साथ के लिए दुखी पुत्र वधू प्रत्येक मास संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस कन्या ने विधिवत पूजन कर भोजन और वस्त्र दिया। कन्या की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, हे कन्या, तुम कोई वरदान मांगो, मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो। कन्या ने बोला, हे विघ्नकर्ता, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पति के दर्शन करा दो। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, तेरा पति शीघ्र ही आएगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि शोम शर्मा ब्राह्मण एक वन में से एक दिव्य बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की कोई सीमा ही ना रही, छाती से लगा लिया और कहने लगे, गणेश जी की कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को पा लिया, फिर से मंडप का निर्माण करेंगे। विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए।